वेल रिपोर्ट राइटिंग इज़ वन ऑफ द फैंटास्टिक पीस ऑफ लर्निंग देर हैज़ टू बी वन पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट राइटिंग स्पेशियली इलेवंथ एंड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड यू गेट दिस क्वेश्चन इन क्रिएटिव राइटिंग स्किल देयर फॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट थ्रू नाउ कैसे इसे आसानी से तैयार किया जा सकता है यही मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूँ हाउ टू प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन ए पर्टिकुलर मैटर दिस इज वॉट आई एम गोइंग टू शो यू टूडे इससे पहले मैं कुछ रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बताऊँ जब भी कभी आप रिपोर्ट तैयार करते हो तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए इट शुड बी रियलिस्टिक एंड यू सी जब किसी पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर रिपोर्ट तैयार किया जाता है तो मोस्टली यू यूज़ द पास्ट टेंस पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप प्रेजेंट नहीं यूज़ करते पास यूज़ करते हैं क्योंकि किसी इवेंट जो हो चुका है जो चीज़ें खत्म हो चुकी है उसके ऊपर में आप रिपोर्ट तैयार करते हो इसके अलावा जो फैक्ट है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए बहुत एग्जग्रेशन नहीं होनी चाहिए बढ़ा चढ़ा के लिखना नहीं आपको और प्रिसाइज होनी चाहिए अगर वर्ड लिमिट दिया है तो उसे भी आपको फॉलो करना पड़ता है क्लोज टू द वर्ड लिमिट इट डजेंट मीन दैट वन फिफ्टी इज द वर्ड लिमिट देन यू शुड राइट एग्जैक्टली वन फिफ्टीट इट हैज़ टू बी वन फिफ्टी ऐसा नहीं है आप इसके आस पास में जाएँ तो वो कहने का मतलब है इसके अलावा इसे प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा जाना चाहिए अगर आपके फॉर्मेट सही है सही तरीके से आपने रिपोर्ट तैयार किया है तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड मार्क्स बिफोर आई प्रोसीड आई वुड लाइक टू शो यू द फॉर्मेट लेट अस सी द फॉर्मेट एट फर्स्ट सबसे पहले देखिए आप हेडिंग लिखते हो जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ रहता है किस चीज़ के ऊपर आप रिपोर्ट तैयार करने वाले हो एग्जैक्टली exactly कौन से इवेंट के ऊपर आप रिपोर्ट तैयार करने वाले हो तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखते हो ऑन द टॉप एंड देन उसके एक लाइन नीचे में राइट right साइड में लिखने वाले का नाम होता है जैसे कोई अगर नाम क्वेश्चन में स्पेशली दिया है तो उसका नाम लिखना पड़ता है अगर डेजिग्नेशन है तो वो भी मैंशन कर दीजिए आप ये तो लिखना पड़ता है फिर एक आप लाइन छोड़ें और इसके बाद लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें लिखना जब लेफ्ट साइड की बात करूँ तो सबसे पहले आप प्लेस लिखते हो प्लेस के बाद कॉमा देके आप डेट मेंशन करते हैं एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग योर आंसर द आंसर शुड बी सच यू नो द फर्स्ट फ्यू लाइंस हैव टू बी वेरी कैची यू नो जो पहले दो लाइन होंगे उसमें वो सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी इनफैक्ट व्हाट व्हेन वेयर एंड हाउ इट हैपेंड किसी पर्टिकुलर इवेंट पर आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हो तो कब हुआ कहाँ हुआ कैसे हुआ ये दो लाइन जो है ये बहुत क्रुशियल होने वाले हैं सो विच इज़ वाई द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ द रिपोर्ट मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट बी वेरी catchy ones. वंस एंड देन यू स्टार्ट it going. गोइंग आप लिखना स्टार्ट करते हो इसमें आप मेंशन करते हो एक्जैक्टली प्रिसाइज फॉर्म में जो भी रिपोर्ट लिखनी है जिस चीज़ें पर रिपोर्ट लिखनी है उसे प्रिसाइज फॉर्म में लिखते हो और अगर आप ऐसे फॉर्मेट को फॉलो करके लिखते हो तो श्योरली यू गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन इट नाउ आई एम गोइंग टू शो यू वन एग्जाम्पल ऑफ इट आई एम गोइंग टू टेक वन पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आई वो यू हाउ एग्जैक्टली इट शुड बी रिटर्न कैसे इसे लिखा जाना चाहिए और कैसे आप आसानी से तैयार कर सकते हैं यही मैं दिखाने वाला हूँ तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं यू आर अंकित अ स्टूडेंट ऑफ लेवन ऑफ ए बी सी पब्लिक स्कूल रांची आप कौन हो आप अंकित हो लेवन स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो आप ए बी सी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हो रांची में रिसेंटली द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल डिलीवर्ड एन इम्पॉर्टेंट स्पीच हाल ही में आपके स्कूल प्रिंसिपल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच uh, दिया है इन द मॉर्निंग असेंबली ऑन स्ट्रेस फ्री एग्जाम कैसे स्ट्रेस फ्री एग्ज़ाम आप देंगे दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू राइट एग्जाम वेरी फ्रीली विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस तो उसमें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है प्रिपेयर यू नो राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट हंड्रेड फिफ्टी टू टू हंड्रेड वर्ड्स ऑन इट आपको इसके ऊपर में रिपोर्ट तैयार करना है आपको ये बताना है कि प्रिंसिपल ने एग्जैक्टली बताया क्या है ठीक है तो ये आपको अपने से बना के इस चीज़ों पर लिखना है तो दिस इज़ हाउ द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू यू आप अपना नाम अंकित लिखोगे आंसर लिखते समय आपकी जो हैडिंग हो गए वो ये है स्ट्रेस फ्री एग्जाम ये हैं वर्ड लिमिट आपको मिला है सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्लियर एंड वेरी यू नो इजी वंस लेट लेटे सी द आंसर टू द क्वेश्चन चलिए मैं दिखाता हूँ कि आपको इसके आंसर कैसे बनाने चाहिए आप देखिए सबसे पहले मैंने हेडिंग लिखा है स्ट्रेस फ्री एग्जाम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका जो पॉइंट ऑफ राइटिंग था जो हेडिंग था वो इसी के ऊपर था स्ट्रेस फ्री एग्जाम अब देखिए लिखने वाले का नाम आप राइट right साइड में लिखते हो ठीक इसी के नीचे हेडिंग के नीचे मैंने लिखा है बाई अंकित जैसा कि क्वेश्चन में क्लियरली मैंशनड है अब आप एक लाइन छोड़ते हो और यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं इनफैक्ट लेफ्ट साइड से तो सबसे पहले आप प्लेस लिखते हैं प्लेस मैंने लिखा है रांची इसके बाद आप डेट लिखते हैं ये मैंने लिखा ट्वेंटी सेकेंड नवंबर टू जीरो क्रॉस क्रॉस इनफैक्ट आप यहाँ पे ट्वेंटी टू भी लिख सकते हो एंड देन आई हैव स्टार्ट राइटिंग द मेन पार्ट ऑफ द आंसर लेट अस सी व्हाट आई हैव रिटन हियर मैंने लिखा है अवेलेबल स्पीच वॉज डेलिवर्ड बॉय द ऑनरेबल प्रिंसिपल ऑफ ए पब्लिक स्कूल रांची लास्ट वेनस्टे पिछले बुधवार को ए पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा एक वेल्यूबल स्पीच दिया गया इट वॉज ऑल रिलेटिंग टू स्ट्रेस फ्री एग्जाम टू बी अटेम्प्टेड बाई द स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट्स के लिए था वो कैसे स्ट्रेस फ्री एग्जाम अटैम्प्ट करेंगे इसी से संबंधित तो उन्होंने स्पीच दिया अब मैंने लिखा है इन इस एड्रेस टू द मॉर्निंग असेंबली जब मॉर्निंग असेंबली को एड्रेस कर रहे थे उस समय उन्होंने बताया ही स्टेटेड ओवर द फैक्ट इस बात पर उन्होंने जोर दिया दैट द स्टूडेंट्स शुड नॉट टेक टू मच टेंशन जस्ट बिफोर द एग्जाम एग्जाम के ठीक पहले स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है अब देखिए उन्होंने क्या कहा है ही सजेस्टेड दैम टू फॉलो द एग्जाम पैटर्न उन्होंने कहा कि एग्जाम पैटर्न को फॉलो कीजिए एंड रिवाइज द चैप्टर्स एट रेगुलर इंटरवल और नियमित रूप से जो चैप्टर्स हैं रिलेवेंट चैप्टर्स हैं उसे आप रिविजन करते रहिए बिसाइड्स इसके अलावा ही गेव नेम समबल टिप्स उन्होंने कुछ और भी वेलेबल टिप्स दिया टू गेट ओवर द स्ट्रेस कैसे तनाव से मुक्ति पाएंगे आप एनजाइटी एंड फियर ऑफ एग्जाम्स तनाव चिंता और कैसे डर से आप मुक्ति पाएंगे फियर ऑफ एग्जाम से इसके बारे में उन्होंने बात किया ही सेट दैट उन्होंने कहा सॉल्विंग द सैंपल पेपर्स इशूड बाई द कंसर्न बोर्ड्स वुड बी क्वाइट बेनिफिशियल अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो इशूड बाय द कंसर्न बोर्ड्स जो आपके बोर्ड हैं जिस बोर्ड से आप एग्जाम दे रहे हो उस बोर्ड के सैम्पल you पेपर्स know, को अगर आप सॉल्व करते हो जस्ट बिफोर द एग्जाम तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है दिस वुड एनेबल दैम टू अंडरस्टैंड द शॉर्ट ऑफ क्वेश्चन लाइकली टू बी आर्स इन द फोर्थ कमिंग एग्जाम आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं सामने वाले एग्जाम में तो आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं इसके बाद रिमेनिंग ट्वेंटी फाइव टू थर्टी वर्ड्स के और पार्ट हैं इसे मैं दिखाने वाला हूँ सो टिलन जस्ट है लुक हियर लेट सी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आंसर दे वुड बी एबल टू स्कोर बेटर मार्क्स इन द एग्जाम उन्होंने ये बताया कि अगर वो इस तरह का पैटर्न फॉलो करते हैं इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली उनके अच्छे अंक आएंगे एग्ज़ाम में मोर ओ इसके अलावा ही टूल डैम टू टेक हेल्दी डाइट उन्होंने कहा कि एग्जाम के समय में बच्चों को स्पेशली स्टूडेंट्स को हेल्दी डाइट लेनी चाहिए इंस्टेड ऑफ़ फास्ट एंड जंक फूड फास्ट और जंक फूड के स्थान पे उन्हें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए सो दैट दे वुड बी रिमेन हेल्दी ड्यूरिंग द एग्ज़ाम पीरियड जैसे कि वो स्वस्थ रख सके स्पेशली एग्जाम के समय में नेवर जो भी हो उन्होंने कहा ही नेवर एवर सजेस्टेड दैम उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा टू बर्न द मिड नाइट ऑयल एज इट कुड बी हेजेट फॉर देयर हेल्थ ये कभी भी उन्होंने नहीं बताया कि रात भर जाग के पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ऐसा करते हैं तो डायरेक्टली उनके स्टूडेंट के हेल्थ पे असर पड़ता है दिस इज हाउ आई जस्ट प्रिपेड द आंसर टू द क्वेश्चन एंड आई एम वेरी श्योर यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो इफ देयर इज एनीथिंग रिलेटिंग टू दिस प्लीज़ कमेंट डाउन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल डी इंग्लिश वर्ल्ड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग